अरे मम्मी धूप सेक रही है। अब वो देखो वही नदी की हम बात कर रहे थे, देखो तो आवाज़ सुनाई दे रहा होगा झील का पानी का नीचे का। ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे कितना सारा मिल रहा है। पीछे बाबा का मंदिर है देख रहे हो, करो करो चेक करो, देखो चेक करके दिखा रहा है कि ओरिजिनल डुप्लीकेट है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी सुबह सुबह हम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपनी यात्रा की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग हैं मुखर्जी नगर में और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन से फिर जाएंगे न्यू दिल्ली, क्योंकि न्यू दिल्ली से हमारा ट्रेन है। अब कहाँ का है वो तो आ गया आपको पता चलेगा। मेट्रो स्टेशन पहुँच गया है, अब हम लोग फिलहाल अपना मेट्रो का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे दिल्ली स्टेशन पे पहुँच चुके हैं लोग, यहाँ पे थोड़ा भीड़ कम लग रहा है, पर जैसे ही अंदर हम लोग घुसे काफ़ी भीड़ लग रहा था मतलब कि, और हम लोग को थोड़ा सा जाना भी था जल्दी जल्दी, तो हम लोग फटाक दे निकल रहे थे क्योंकि ट्रेन छूट ना जाए। फिलहाल अभी पता नहीं कहाँ रोक दिया ट्रेन हम लोग को, चार स्टेशन के बाद हल्द्वानी है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं हल्द्वानी और यहाँ पे देखो कितना सारा भीड़ लगा है, मतलब कि हम लोग जो ट्रेन था ना उसमें काफ़ी लोग आए, मतलब दबा दबा के जिनका सीट नहीं था वो लोग खड़े हो गया, मतलब काफ़ी कुछ मिनटों में देखो पूरा स्टेशन खाली हो गया, पूरा स्टेशन खाली। और अब हम लोग निकल रहे हैं आगे बस स्टैंड की ओर, वहाँ से बस पकड़ के आराम से हम लोग निकलेंगे कैंची धाम। हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर स्टे कर लेंगे, पर नहीं अब यहीं से सीधे कैंची धाम निकलेंगे, वहाँ पर स्टे करेंगे जो होगा। तो गाइस अभी 2 बजे रात को आए हुए, दिख नहीं रहा आपको कैंची धाम, अभी यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है, मंदिर बंद है फिलहाल। आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा झील का पानी का नीचे का, सुबह में खुलेगा 7 बजे तो आपको दिखाएंगे। लाइट भी नहीं है, फ्लैश लाइट भी नहीं है, ये दिखाएंगे इसको, बैटरी भी चार्ज नहीं है फ़ोन का, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। ये देखो देख रहे हो नीम करोली बाग पहुँच गया हम लोग। तो गाइज अभी हम लोग एक रूम ले लिए, 2 रूम लिए वैसे, हम लोग ज़्यादा लोग थे तो 2 रूम लिए, एक रूम ये रहा पीछे और एक रूम ये रहा, देखो ये वाला देखो ये वाला रूम है ठीक है। तो 2 रूम लिए हम लोग, तो बाबा के मतलब नज़दीक ही है, 600-500 मीटर दूर है, वहाँ पे होटल लिए ना जस्ट, क्योंकि उधर नज़दीक वाला होटल सारा मतलब कि कोई नहीं, एक इंसान नहीं दिख रहा था हम लोगों को, बस एक इंसान दिखा था जो 600 मीटर दूर जिनका होटल था वहाँ पे खड़े थे, तो वो हम लोग हेल्प किए कि हाँ चलिए ये वो जो भी हो। तो हम लोग फाइनल कर लिए लोग कल दिन भर रहना है, कल दिन भर घूमना है। वैसे तो रात में ये सुविधा बिल्कुल अवेलेबल नहीं है आपको कि मतलब आप आ सको और आराम से आप आके रह लो, यहाँ पे उतना अच्छा फैसिलिटी नहीं है रात को। तो रात को हम बोलेंगे मत ही आया करो, आराम से सुबह या दिन में आया करो, आपको आराम से कोई भी रूम मिल जाएगा या होटल मिल जाएगा। हम लोग को बहुत मुश्किल से यहाँ पे रूम मिला, होटल मिला, वरना नहीं मिलता अगर नसीब सही नहीं रहता तो ठीक है। जस्ट देखो आपको बाहर एकदम बाहर मतलब काफ़ी व्यू बहुत ख़तरनाक है, मतलब आपको सुबह दिखाएंगे अभी कुछ नहीं दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है यहाँ पे। हम शर्ट एक पहने हुए बस और एक कम्बल वम्बल सब चीज़ दिया हुआ, यहाँ पे नीचे मैट बिछाया गया है बताओ, मतलब इतना ठंड लग रहा है यहाँ पे, इतना ठंड ज़्यादा है। तो चलते हम अपना मुँह धोते फिर सोस करते हैं, फिर अब उसके बाद में सोएंगे। अभी 3 बज रहे हैं तो 6-7 बजे आरती होता है, तो उस वक्त उठेंगे आरती के लिए, तो उसके बाद में घूमना जो भी जहाँ जहाँ जाएंगे जो जाएंगे वो हम आपको दिखाएंगे ब्लॉग में ठीक है। तो अब चलते हैं सोते हैं, पहले जाके मुँह धो लेते हैं और आपको जो थोड़ा बहुत बाहर का दिखाते थोड़ा सा। अंधेरा में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, बस सुनाई दे रहा होगा। देखो यहाँ से जस्ट बाजू से एक नदी गुजर रहा है, वो नदी उसी का पानी जस्ट झरना गुजर रहा है, उसी का पानी यहाँ पे बस रहा है, सुनाई दे ही रहा होगा आप लोगों को। तो गाइस हम कल रात को आपको बताए थे कि इतना अच्छा व्यू है मेरे रूम से आगे, मतलब बता नहीं सकते आपको, दिखाते हैं आपको व्यू। ये देखो जन्नत देख रहे हो, अभी भी आपको आवाज़ आ रहा होगा पानी का, नदी के पानी का, देख रहे हो पूरा जन्नत ही जन्नत है यार। अभी जा रहे हैं हम ब्रश करने, ब्रश करेंगे रेडी होंगे फिर आपको और दिखाएंगे जन्नत ठीक है, अच्छे से दिखाएंगे और जन्नत आपको ठीक है। पूरा पहाड़ी पहाड़ है देखो, आगे पीछे सब जगह। तो गाइज हम रेडी हो चुके हैं और ये देखो ये दिन में जैकेट पहनने का कारण है कि आपको दिख रहा है दिन है, पर यहाँ पे जो ठंडा जो हवा लग रहा है ना और जो मेरे पैरों में ठंडा लग रहा है, हम जूता नहीं पहने हुए हैं, पैर में बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, हम बता नहीं सकते, मतलब यहाँ पे काफ़ी ठंडा है यार, बहुत ज़्यादा ठंडा है, एक्सेस है, मतलब अनएक्सपेक्टेड था इतना, मतलब कि हमको लगा नहीं था कि इतना। वैसे पिछली बार जब गैंगटॉक गए थे तो उतना इसमें ठंडा नहीं था, पर
यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सेस है। तो मम्मी भी वहाँ पर धूप सेक रही हैं और हम यहाँ पर जैकेट पहन के खड़े हुए हैं रेडियो के जस्ट। तो उसके बाद हम लोग निकलेंगे लोग मंदिर निकलेंगे लोग, जल्दी फटाक देना। वो रही मम्मी, मम्मी वहाँ धूप सेक रही है, अरे मम्मी धूप सेक रही है। अब वो देखो वही नदी की हम बात कर रहे थे, देख रहे हो आवाज़ आपको आ ही रहा होगा यहाँ से। जस्ट हम लोग के होटल के जस्ट बाहर ही हैं, ये मंदिर है, मंदिर बोल रहे हैं। ये झरना का पानी देखो, मन कर रहा है नीचे आराम से टप टप जाके जाएँ, अबे मस्त पैर घुसा के बैठ रहे हैं। पर नहीं यार, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होगा, जब यहाँ इतना ठंडा लग रहा है तो देखो खाली पैर है तो वहाँ कितना ठंडा पानी होगा। और ये देखो क्या सीन है यार, चला जाए वहाँ, हाँ चलो मंदिर चला जाए। तो गाइज अब हम लोग निकल चुके हैं धाम की ओर, नीम करोली बाग जो बाबा का मंदिर है वहाँ पे। मम्मी पीछे है, भैया पीछे हैं, हम थोड़ा आगे आगे चल रहे हैं क्योंकि वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग को कोई लोग दिख नहीं रहा है पीछे से, मतलब हम लोग 1 किलोमीटर दूर है वहाँ से, कोई इंसान नहीं दिख रहा यार, जंगल ही जंगल है। पर काफ़ी मज़ा आ रहा है यार, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है, बता नहीं सकते। समझा जो यहाँ का स्मेल है ना, बेस्ट बेस्ट आएगा व्यू। देखो कुछ चढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा चढ़ाई टाइप का, ऊपर में टाइप का, देख रहा ये देखो सूरज भगवान। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम लोग, देखो सामने, देख रहा सामने नीम कोली बाग बाबा का मंदिर है, और इन सब कोई आ रहा है, देखा देख रहा जी रहा मंदिर। यहाँ पे सूज निकालेंगे हम लोग, सूज में एक साइड कहीं निकाल देते हैं हम लोग। अरे गोलू ये रहा माँ, हाँ यहाँ पे खोल लेते लोग, यहाँ पे यहीं पे सूज खोल लेते हम लोग। तो गाइज हमारा दर्शन हो गया, देख लो पीछे पीछे बाबा का मंदिर है, देख रहे हो। अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, फ़ोन अलाउ नहीं था, तो वहाँ का वीडियो बना नहीं पाया हम। चलो बाबा को बाय बोलते हैं, निकलते हैं अब। ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे कितना सारा मिल रहा है, यहाँ पे ये सब मंदिर के बाहर ही सब मिलता है, आप ले सकते हो इसमें से माला वाला जो पहनते हैं। बाबा जी के इतना सारा मंदिर है, देख फोटोज है, देख रहे हो। तो गाइस यहाँ पे नीलेश भाई मेरे रुद्राक्ष चेक कर रहे हैं, चेक करके दिखा भाई, देख ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, चेक करके दिखा, करो चेक करो, क्या हुआ चेक करो, करो करो चेक करो, देखो चेक करके दिखा रहा है कि ओरिजिनल डुप्लीकेट है। घूम रहा है ये भाई, घूम रहा है, ले भाई ले, हो गया हो गया ले भाई। तुम इतना प्रेस क्या कर रहा था, जोर से धीरे से प्रेस किया था यार, हल्का हल्का प्रेस किया था तुम्हें, दम है जो, दोनों आदमी लगा हुआ टेस्टिंग में है ना। नहीं घूम रहा भाई, नहीं घूम रहा, नहीं घूम रहा भैया, ले लो भैया, नहीं घूम रहा यार, दूसरा दे दो। यहाँ पे हम लोग को सामान लिए लोग, ये सब मूर्ति लिए दो तीन को, नहीं घूम रहा भाई, नहीं घूम रहा। तो गाइस हमने कुछ कर ली शॉपिंग, कुछ कुछ पूजा के लिए, मतलब पूजा इट मीन्स की भगवान का फोटोज, माला, कुछ कुछ पहनने के लिए मम्मी भी की हैं, तो इसको अब रखते हैं, कुछ खाने चलते हैं। ये देखो सामने इतना खतरनाक दिख रहा है सब। तो गाइस हम मंगाए कड़ी चावल क्योंकि मेरा कड़ी चावल फेवरेट है, मम्मी मंगाई है राजमा चावल, ये ठूस रहा है भैया मेरा, वो भी राजमा चावल ठूस रहे हैं। तो ये रहा मेरा कड़ी चावल, मस्त टेस्टी लग रहा है, खा के देखते हैं। तो गाइस मेरी मम्मी और मेरे भाइयों लोगों में चूल मचा हुआ है झील देखने का, और वो लोग नीचे प्रस्थान कर चुके हैं लोग, तो हम भी नीचे प्रस्थान कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं, थोड़ा ढलान है, चलते हैं। ये देखो मम्मी और मेरा दोनों भाई सब आगे ही निकल चुके हैं मेरे से, देख लो ये रहा सामने झील, लोग यहाँ का मजा तरीब है इनका, अपने गिरते हैं भाई, अपने गिर जाते हैं हम यार। ये देखो देख रहे हो, ये देखो जन्नत,
मम्मी पापा को दिखा रहे वीडियो कॉल पे। ये देखो बेटा कितना खूबसूरत है। देख रहे हो कितना खूबसूरत है, आवाज आपको आ ही रहा होगा। ये देखो व्यू, देख रहे हो कितना खूबसूरत है। ये मेरी माँ जो पापा को दिखा रहे हैं, और वो देखो मेरे भैया रिक्स लेके कहाँ जा रहे हैं। ओए वो जा रहा मछली पकड़ने लगता है, पगला गया उस दिन का मुझे पगला गया। देखिए वो देखिए नीले से पगला गया, देख रहे हो नीलेश भैया और गोलू पगला गया था। ये भाई हमको डर लग रहा, हमको डर लगता है यार ऊंचाई से हमको ज़्यादा। मम्मी चलो ऊपर ऊपर, इधर पूरा जंगल ही जंगल है, देख रहे हो पूरा जंगल ही जंगल है ऊपर में। इधर रास्ता है पर हम कहाँ जाए, नहीं जाएंगे, डर लग रहा है हमको थोड़ा बहुत, अकेले कह ला जाए झूठ मूठ का। ये देख ये देखिए मेरी मम्मी भी वहाँ पहुँच गई, देख रहे हो आप लोग मेरा पूरा फैमिली वहाँ पहुँच चुका है, हम ही ऊपर है। ठीक है, हमको डर लग रहा है यार हम वहाँ नहीं जाएंगे, वो सब वहाँ पे एंजॉय कर रहा, मन तो कर रहा नीचे जाने का। बुला तो रही मम्मी, आए क्या? अच्छा रुको देखते हैं, ट्राई करते जाने का। तो गाइस फाइनली हम यहाँ पे आ गए। वो देखिए मेरी माता श्री, मेरे भाई बैठा हुआ वहाँ पे। ये पानी देख रहा कितना प्यारा। तो गाइज़ हम क्या किए ना कि हम तो झरना के बीच में ही बैठ गए, मतलब जो पानी जहाँ से फ्लो रहा था वहाँ बैठ गए बीच में। काफ़ी ठंडा ठंडा लग रहा था, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, देख रहे हो पानी कितना अच्छा है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं नैनीताल, नैनीताल वहाँ पे घूमेंगे लोग, वहाँ पे देखेंगे लोग कौन कौन सी जगह घूमने के लिए, आपको दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगले पार्ट के लिए।